ठीक, आज हम लोग जीओसी पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, सभी लोग जुड़िए बच्चे, जल्दी से जल्दी से। और आवाज सही आ रही हो तो एस लिख के भेज दीजिए एक बार। चलिए, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट किया जाए। प्रियांशी यस सर आवाज आ रही है। ब्रिजेश यस सर क्लियर है वॉइस? चलो तो क्लियर है तो बिना वक्त जाया किए हुए, जैसा कि प्रॉमिसेज हुआ था कि हम लोग जीओसी स्टार्ट करेंगे, तो जीओसी में कई चीज आती है, जीओसी से कई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग आज आइसोमेरिज और नामन प्रेशर के क्वेश्चन करेंगे, जेई मेन्स के और एम्स के और नीट के। और पहले हम जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हुए चलेंगे। मेरे बच्चे तुमको पता है कि आइसोमर, आइसोमर आइसोमर ठीक है, अगर दो लोगों का, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज। प्रोसेस को क्या बोलते थे? आइसोमेरिज में बोलते थे। मेरे बच्चे मेरे को बताओ, आइसोमेरिज एक प्रोसेस है जिसमें दो लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो या दो से ज्यादा लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, आपस में कहलाएंगे आइसोमर, ठीक है। तो नीट, नीट तुम्हारा नीट 1991 में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर, तो ये नीट 1991 का क्वेश्चन साल हो जाएगा कि आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे और प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेरिज, ठीक है। ये आइसोमेरिज में दो तरह का था, एक था स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, साथ साथ अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, और दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज, स्टीरियो आइसोमेरिज। मेरे बच्चे बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज भी कई तरीके से था, अगर तुम्हारा एक प्लेन पे स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस हो, ठीक है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, ठीक है। और हवा में तुम्हारा स्पेस में, ठीक है, एटम या ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो, स्पेशियल पोजीशन ग्रुप या एटम का डिफरेंस हो, तो बनेगा स्टीरियो आइसोमेरिज, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में कई तरीके का था, तुम बताओ, चेन था, चेन आइसोमेरिज में था, सब मेरे साथ बोलते जाओ, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज था कि नहीं था? पोजीशन आइसोमेरिज, ठीक। इसके बाद था फंक्शनल आइसोमेरिज, फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज, ठीक, बोलो, ठीक है, मेटामेरिज था, ठीक है, मेटामेरिज और टाटोमेरिज, मेटामेरिज और टाटोमेरिज, ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल के अंदर था, ठीक है। सबसे ज्यादा हम इसमें चैन और फंक्शनल के बारे में पढ़ेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज में दो था, तुम्हारा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज और ऑप्टिकल आइसोमेरिज। मेरे बच्चे मेरे को बताओ, एक सवाल पूछा गया है, सबके हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए, अच्छा बड़ा लिखे हैं, ठीक है मेरे बच्चे, मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ, आपका चैट देख नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है मैं बड़ा लिखता हूँ, ठीक, सब लोग जुड़ जाइए। चेन पोजीशन फंक्शनल निशा मेटामेरिज, ठीक है, और रिंग चेन आइसोमेरिज, रिंग चेन आइसोमेरिज में कार्बोहाइड्रेट में होता है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम चाहे तो लिख लो, रिंग चेन आइसोमेरिज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, रिंग चेन आइसोमेरिज ये होता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। अब देखो मेरे बच्चे, ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल से खूब सवाल पूछे गए हैं, ठीक, तो पहली बात मेरे को बताइए कि आइसोमेरिज दो तरह का, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, स्ट्रक्चरल फॉलोइंग टाइप्स, चैन पोजीशन फंक्शनल मेटामेरिज टाटोमेरिज और रिंग चैन आइसोमेरिज, बताइए, स्टीरियो दो तरह का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। नीट 2002 में पूछा गया है, नीट 2005 में,
कि इनमें से कौन सा पेयर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेगा, तो बताओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने कैटेगरी हैं, दो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो है ये पेयर जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ये नीट 2005 का क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं था, सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। तो मेरे बच्चे मेरे साथ बोलो, बताओ आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, आपस में एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर, और प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर तुम्हारा प्लेन के ऊपर स्ट्रक्चर वाइज जो है अगर डिफरेंट वो एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई तरह का था, चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ये टाटोमेरिज्म और चैन आइसोमेरिज्म के बारे में खूब पूछा गया है, ठीक है। मेरे बच्चे स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर ग्रुप या एटम का अरेंजमेंट 3D में स्पेस में डिफरेंट हो, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप आर एटम डिफरेंट, ठीक, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट आर सेम, known as structural stereoisomers to each other and process is known as stereoisomerism। बताओ ये जान रहे थे कि नहीं, stereoisomerism दो तरह का था, geometrical और optical। चलिए अब मेरे बच्चे हम लोग जो है geometrical के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, geometrical के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जो है एक बार geometrical के बारे में पढ़ेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे साथ बोलो, बताओ आइसोमेरिज्म दो तरह का, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के कैटेगरी याद हुए, बोलो मेरे साथ स्ट्रक्चरल के कैटेगरी याद हुए, तुम्हारा चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टाटोमर, रिंग चैन आइसोमर्स। रिंग चैन आइसोमेरिज्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। फिर तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का था, तुम्हारा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मेरे बच्चे अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दिख रहा है आप सबको ना, ठीक है। चलिए अब सब लोग ध्यान लगा के देखना, यही नीट है, यही जेई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही नीट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही जेई है, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है और आई थिंक सब लोग जानते हैं, ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। मेरे बच्चे बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म राइजिंग होता है कैसे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाएगा, ठीक है, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तुम्हारा किस में होता था, एल्कीन में होता था, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा जाता है एल्कीन में, ऑक्साइन में, किस में देखा जाता है, एल्कीन में, ऑक्साइन में, एजो कंपाउंड में, एजो कंपाउंड में और साइक्लोएल्केन में। सब रिमाइंड करो, तो मेरे बच्चे बताओ अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखना है कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन, बताओ कहाँ पाया जाता है, एल्कीन में, ऑक्साइन में, एजो कंपाउंड में और साइक्लोएल्केन में। चलिए मेरे बच्चे मेरे साथ बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कहाँ देखेंगे, बताइए चार ऑप्शन में अगर आपको देखना हो तो क्या आप एल्केन वाले ऑप्शन को देखेंगे, नहीं देखेंगे। क्या आप एल्काइन वाले ऑप्शन को देखेंगे, नहीं देखेंगे। क्या आप एल्कोहल वाले ऑप्शन को देखेंगे, नहीं देखेंगे, ठीक है। आपको जो है एल्कीन देखना होगा, क्या देखना होगा, एल्कीन देखना होगा कि एल्कीन है कि नहीं, यानी कि उसकी नहीं, ऑक्साइन में देखना होगा, एजो कंपाउंड देखना होगा, साइक्लोएल्केन में, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से उठाता है एल्कीन से। अब सारे एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, All alkenes are not shown geometrical isomerism, ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन है, तो बताइए लिखिए कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। अब हमारा हेडिंग हो जाएगा कंडीशन फॉर, ठीक, सब लोग लिखते चलो और साथ साथ बोलते चलो, बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ देखोगे,
एल्कीन में देखोगे, साइक्लो एल्केन में देखोगे, आर्जाइन में देखोगे, एजो कंपाउंड में देखोगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक एराइजेज होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। सब याद आ रहा है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को फ्रोजन रोटेशन भी बोलते थे या हिंडर्ड रोटेशन भी बोलते थे। सब निकाल करिए मेरे बच्चे, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है, ठीक है। अगर कहीं पे कार्बन के पेरेंट्स चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते थे, एल्कीन बोलते थे, ठीक। यहाँ पे कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप एक्स, यहाँ पे लगा हुआ कोई एटम या ग्रुप वाई, यहाँ पे लगा हुआ कोई ग्रुप ए, यहाँ पे लगा हुआ कोई ग्रुप बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी आपस में कभी बराबर, जो ए हो वो बी ना हो, जो बी हो वो ए ना हो, जो एक्स हो वो वाई ना हो। तो जब कहीं ऐसा कंडीशन आएगा वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ठीक। तो मेरे बच्चे मेरे को बताओ, ये तुम्हारा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल तो देखो सी डबल बॉन्ड सी हो गया और ये हो गया एच और ये हो गया CH3 और ये हो गया H और ये हो गया क्या H। मेरे बच्चे मेरे को बताओ, इधर 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 क्या ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, दोनों एटम अलग अलग है, नहीं दोनों एटम सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो डबली बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ ग्रुप या एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों तरफ, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे को बताइए, कितने लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानना आ गया, क्या कंडीशन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। आप बताइए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। एल्कीन के अंदर जो यहाँ पे जो ग्रुप हो चाहे एटम जो लगा हो वो दोनों अलग हो, ठीक है। यहाँ पे भी जो ग्रुप या एटम जो लगा हो दोनों क्या हो, अलग हो, ठीक है। इसी पे पूरे सवाल हमको मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए अब आपको जो है ये पूछा है नीट में आपका पूछा हुआ सवाल है। अब कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, सब लोग क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं नीट के पेपर से, ठीक है। हमारे पास 32 इयर्स अनसॉल्व है, हम उससे आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। एक क्वेश्चंस है आपका 1989 का, 1989 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, कह रहा है कि इनमें से कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये नीट 1989 का क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इतना पुराना आप क्यों करा रहे हैं, ठीक है। मेरे बच्चे आपको 32 इयर्स ओल्ड पेपर का एक एक सवाल एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा है इसीलिए हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे मेरे को बताइए, पहला ये है सी एल सी एच डबल बॉन्ड एक सी एच सी एल, बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। आइए देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ लगा है एच और इसी कार्बन से लगा है क्या क्लोरीन, इस कार्बन से लगा है एच और इस कार्बन से लगा है क्लोरीन। मेरे बच्चे मेरे को बताना, इधर इधर मेरे को बताओ, इधर देखो सब लोग, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, यहाँ इस कार्बन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन अलग और इसी कार्बन से लगा हुआ ये क्लोरीन अलग, ये दोनों आपस में अलग है, ये भी हाइड्रोजन, इस कार्बन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन अलग है और ये क्लोरीन अलग है, तो यानी कि इस कार्बन पे दोनों एटम्स क्या है, अलग अलग है और इस कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग है, तो ये कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसने ज्योमेट्रिकल नहीं पूछा है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पूछा है। तो मेरे बच्चे बताओ ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इस तरह से हमारा नीट का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल का पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा एक पूछा है 1991 में, आइसोमर ऑफ सबस्टेंस मस्ट हैव द सेम, बताइए आइसोमर में क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये छोटा सा सवाल है 1991 में पूछा है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक। अब अगला एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, बताइए मेरे बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन समझ में आ गया,
ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज का कंडीशन ये था कि डबली बॉन्डेड कार्बन में ठीक है लगा हुआ कोई ग्रुप या एटम यहाँ पे आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज उसको करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है AITEEE का। ठीक है, AITEEE का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो नहीं करेगा। ठीक, ये जेई मेंस 2002 का है, उसको पहले AITEEE के नाम से जानते थे। ठीक है, हम वो उसको लिख रहे हैं, हम ऑप्शन वो लिख रहा है 1 comma 1 dichloro 1 pentene 1 comma 1 dichloro 1 pentene। बताओ कितने लोग स्ट्रक्चर बना लोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तभी जाके काम होगा। बताओ पेंट का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन। पेंट का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन। हमने 5 कार्बन बना लिया, 1 2 3 4 और 5। बताओ तुम्हारा जो है डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, पहले पोजीशन पे, 1 in है ना। ठीक, तो पहले पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड लगा लिया। बताओ प्रीफिक्स, ये डाइक्लोरो प्रीफिक्स है, पहले पे ही दो दो क्लोरीन लगा है, तो 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन। कार्बन कितना होता है, टेट्रावेलेंट। अच्छा ये बताओ ये कार्बन पे ये दोनों लगा हुआ ग्रुप सेम है क्या, सेम है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल देगा, नहीं देगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। जो सही आंसर था यही था कि 1 comma 1 dichloro 1 pentene कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो शो करेगा। अब देखो वो क्या करेगा एग्जाम के लिए, जो बाकी 3 ऑप्शन है उसमें से दे देगा एक ऑप्शन, कहेगा कि इनमें से कौन सा शो करेगा। तो आओ बाकी 3 को भी हम बना के देख लेते हैं कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज क्यों शो कर रहा है। हम कंडीशन पता ही है, ठीक है, एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज का कंडीशन बताओ, चलो बोलो मेरे साथ, रिमाइंड करो क्या कंडीशन लिखा था कॉपी में, क्या कंडीशन अभी बोर्ड पे बोला है, बताओ। अभी आइसोमेरिज दो तरह का, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कितने तरीके का, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, चार्टोमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमेरिज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। स्टीरियो दो तरह का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल से चूंकि खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई क्लास नहीं चल रहा है, ये रिवीजन हो रहा है, बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए इसी को बोलेंगे। तो मेरे बच्चे अब देखिए, 1 comma 2 dichloro 1 pentene 1 comma 2 dichloro 1 pentene क्या ये ज्योमेट्रिकल देगा, आओ बना के देखते हैं। बताओ पेंट का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, रूट वर्ड है पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन का ये पेरेंट चेन है। ठीक, अब बताओ पहले पोजीशन पे क्या है, इन है, लगा दिया। अब देखो पहले पोजीशन पे, पहले पे है हमारा डाइक्लोरो, हमने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, दूसरे पे है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ भी हमने क्लोरीन लगा दिया। ठीक, अब देखो इसको भरने के लिए हाइड्रोजन भरते हैं। ठीक है, बताओ कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, 1 bond 2 bond 3 bond। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 bond, बोलो 4 हो गया। बताओ 2 1 3 1 4, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 और 2, बताओ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 और, बताओ एक ही बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कार्बन टेट्रावेलेंट बन के तैयार हमारा 1 comma 2 dichloro 1 pentene बन के तैयार। अब आओ कंडीशन देखते हैं। मेरे बच्चे मेरे को बताओ, इधर बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे गए, ये वाला एटम अलग, ये वाला अलग, इधर का कार्बन क्लियर हो गया। अब इधर के कार्बन पे देखते हैं, ये एटम अलग और ये पूरा ग्रुप अलग, ये बॉन्ड जो जुड़ रहा है कार्बन से, तो ये अलग और ये अलग, तो बताओ ये कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे बच्चे ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज क्या करेगा, शो करेगा। अब मेरे बच्चे मेरे को बताओ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ बताओ कंडीशन कितने लोगों को, या फुकड़िया में घुसा, अरे बोलो कितने लोगों को घुसा। ठीक है, माना की क्लास में नहीं है लेकिन माना की क्लास में है। ठीक, अब तुम किस माने के अंदर जा रहे हो, पहले माने के अंदर जा रहे हो कि दूसरे माने के अंदर जा रहे हो, माना की क्लास में नहीं है, माना की क्लास में है, हम क्लास में हैं और हमारे आसपास इस समय जो है घर का कोई सदस्य नहीं है, हम हैं, सुहेब सर हैं और ये इंटरनेट की दुनिया हमारे आसपास है और हम लोग खूब पढ़ रहे हैं। बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज का कंडीशन है, कोई जो है पानी नहीं उठा के पीने लगेगा, कोई जो है मूंगफली छील के नहीं खाने लगेगा, चुपचाप जो है यहाँ क्लास में अपना अगर रहना है तो ऐसे क्लास को कनेक्ट करिए। ठीक है, फायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज का कंडीशन कितने लोगों को पता हुआ, पता हुआ,
चलिए सोनू सोनकर सर, स्ट्रक्चर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए बेटा, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है? ये पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, मैं इसको डिलीट नहीं करवाऊंगा, इसकी ये पूरा अपलोड हो जाएगा, ठीक? निदा चलिए, प्रंजोल बाकी लोग कहाँ है? ठीक है, राशि धनवर माना की क्लास में हो, ठीक है? सर्वर ठीक, आशुतोष सिंह आ गया सर समझ में, ठीक है मेरे बच्चे, आप लोग लगातार जुड़े रहिए, लगातार जुड़िए, ठीक? चलिए आगे देखिए, अब हम जो है कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो है और करा दे रहे हैं जो नीट का पूछा हुआ है, ज्योमेट्रिकल पे, ठीक? ज्योमेट्रिकल पे जो नीट का पूछा हुआ है उसके क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। अब आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा चलिए, सब लोग जो है एक बार अपने मनन करिए, मनन करिए, आंख बंद करके मनन करिए, ज्योमेट्रिकल का कंडीशन मनन करिए जल्दी से, ठीक है? जेई में पूछा है, नीट में भी पूछा है, ठीक? सब लोग मनन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है, एक 2002 में नीट में, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन, बताइए स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो का कैटेगरी था, और स्टीरियो में क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट एटम आर ग्रुप, ठीक? आंसर इसका भी हो जाएगा आपसे, ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। और मैं देखूं कोई क्वेश्चन, ठीक है? अभी तक तो नीट में जो है जितने क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्रिकल के हमने आपको करा दिया। ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम था सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है? अब आ जाते हैं हम जेई मेंस में, जेई मेंस में देख लेते हैं एक बार, जेई मेंस में एक बार देख लेते हैं, जेई मेंस में हम एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक? चलिए, अच्छा जेई मेंस के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है इसमें, अच्छा जेई मेंस के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है? बताइए, एक क्वेश्चन पूछा है जेई मेंस में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मेरे बच्चे बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ठीक है? आओ देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन अलग, और इस हाइड्रोजन इस कार्बन से ये CH3 जोड़ा है, ठीक है? इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, और इसी कार्बन से ये तुम्हारा CH3 जुड़ा है, कार्बन जो टेट्रावेलेंट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये देखो इस कार्बन पे ये अलग और ये अलग, और इस कार्बन पे ये अलग और ये अलग, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल कितने लोगों को समझ में आया, ठीक, समझ में आ गया ना? चलिए अब आप हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालिए, कनेक्ट रहिए, कनेक्ट सब लोग कनेक्ट रहिए, सब लोग कनेक्ट रहिए बेटा, सर्वर ठीक, आप जो है आप मनन करिए, किसी दूसरे को मनन ना कराइए बेटा, आपका जो है आप पहले मनन करिए खुद, सब लोग मनन कर रहे हैं। चलिए बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन जल्दी से सोचिए, सोच लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ, दोनों एक कार्बन पे लगा हुआ, दोनों एटम या ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, ये कंडीशन है एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल का, ठीक है? अब आ जाइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या क्वेश्चन पूछा है ये देखना है, ज्योमेट्रिकल वाला बेटा सब कर लेना, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, सबसे पहले सिंपल लाइट, सिंपल लाइट, सिंपल लाइट का है कि वो चारों तरफ क्या होता है, स्प्रेड होता है, सिंपल लाइट चारों तरफ स्प्रेड होता है, सिंपल लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म से पास कराएं, निकोल प्रिज्म से पास कराएं, इसको पोलराइजर बोलते हैं, पोलराइजर, ठीक, तो ये सिंपल लाइट, सिंपल लाइट बताओ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, ठीक है, एक था तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक था ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसा कंपाउंड सुनते रहना, क्या क्या मतलब है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ठीक, तो सबसे पहले ऐसा कंपाउंड, ठीक, ऐसा कंपाउंड
जो प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को एक पास कराएं उस कंपाउंड से, तो प्लेन पोलराइज लाइट को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करें, रोटेट कराए, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कराए तो डी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए तो एल। तो वो कंपाउंड कहलाता था ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और फिनोमिना को बोलते थे ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराने पे उसके अंदर क्या होता था, रोटेशन होता था, तो इसी फिनोमिना को बोलते थे ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता था ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाता था तो इसको बोलते थे डेस्ट्रो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाता था तो इसको बोलते थे लीवो। क्या बोलते थे? लीवो बोलते थे, ठीक है, लीवो रोटेटरी, ठीक है। डी बोलते थे और डी को प्लस बोलते थे, या एल बोलते थे, एल को माइनस। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या बोलते थे? डेस्ट्रो। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था तो इसको बोलते थे लीवो। लीवो का मतलब हम इसको डिनोट करते थे स्मॉल ब्रैकेट में माइनस के साथ, और प्लस के साथ ब्रैकेट में डिनोट करते थे डी को, ठीक है। तो डी एल ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है, स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है। अच्छा, आप लोगों ने कैपिटल डी और कैपिटल एल भी पढ़ा होगा, ये कॉन्फिगुरेशन बताता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कॉन्फिगुरेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल से, वो अलग की बात हो गई, ठीक है। स्मॉल डी स्मॉल एल ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है, अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है, उसको उससे प्लेन पोलराइज लाइट पास कराने पे क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो वो डी होता है। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराए और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो वो होता है एल, एल होता है, वो एल एक्टिव, वो एल होता है, ठीक है, उसको माइनस के साथ और डी को प्लस के साथ बताते हैं, ठीक है। इतना हम इसलिए बता रहे हैं, ये AI ट्रिपल ई मतलब यानी कि JEE मेंस में ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये बताया, ठीक। चलिए अब देखिए, ठीक है, अब अगला जो है, अब आप लिखिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, हेडिंग डाल दीजिए एक छोटा सा, नेसेसरी एंड सब लोग हेडिंग डाल लो एक छोटा सा, सबको पता है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडीशन होना चाहिए मॉलिक्यूल शुड बी काइरल, मॉलिक्यूल शुड बी काइरल, मॉलिक्यूल को कैसा होना पड़ेगा, काइरल होना पड़ेगा, या काइरल को ही बोलते हैं डिसिमेट्रिक, ठीक है, या मॉलिक्यूल शुड फॉर्म, ये इसलिए लिख रहे हैं, ये सब जो है स्टेटमेंट के रूप में आया है, आप जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपलर सॉल्व करेंगे तो ये सब स्टेटमेंट के रूप में आया है, इसलिए मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूल शुड फॉर्म एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक। तो बताओ क्या कंडीशन होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, मॉलिक्यूल के पास काइरल, मॉलिक्यूल को काइरल होना पड़ेगा, ठीक है, या डिसिमेट्रिक होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को होना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, तभी वो एक दूसरे के कहलाएंगे क्या, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब देखो, अब हमारे पास एक सवाल है कि सर किसे कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक,
ये देखो ये कोई ये हमारा हथेली है, ये हमारा हथेली है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो जा रहा है, इम्पोज हो जा रहा है। तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। ये हमारा हथेली है और ये हमारा हथेली है उल्टा, ठीक है। हम इसको एक दूसरे पे ला रहे हैं, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है? ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी में ऐसे ही समझाया, ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अभी बना हुआ है, ये आपका अभी जो है ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अभी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने चाहिए, या मॉलिक्यूल होना पड़ेगा काइरल। क्या काइरल? बताइए काइरल किसे कहते थे? ठीक, कार्बन के चारों वैलेंसी, आप कार्बन से लगा हुआ चारों ग्रुप या एटम क्या हो, अलग अलग हो। कार्बन से लगा हुआ कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ठीक। तो ये ए अलग हो, बी अलग हो, सी अलग हो और डी अलग हो, तो ये कार्बन होगा काइरल। अब काइरल जब कार्बन होता है तो हम उसको स्टार बना देते हैं, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल के पास काइरल सेंटर है तभी वो तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल काइरल की बात कर रहे हैं, एक या एक से ज्यादा काइरल की बात, दो या दो से ज्यादा काइरल की बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम उसके पास अगर कोई सिंगल काइरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। या वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा हो, मॉलिक्यूल आपस में कैसा मिरर इमेज बना रहा हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे और प्रोसेस को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक। चलिए इतना आपको बताने के बाद, इतना बताने के बाद, ठीक है, चलिए एक मीजो फॉर्म लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे मीजो फॉर्म, ठीक है, मीजो फॉर्म लिखना है, मीजो फॉर्म हेडिंग डाल दीजिए, मीजो फॉर्म। मीजो फॉर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं, मीजो फॉर्म, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म है मेरे बच्चे, मीजो फॉर्म, मीजो फॉर्म, ठीक, मीजो फॉर्म, ठीक है। कंपाउंड शुड हैव टू कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट टू काइरल कार्बन, ठीक, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट बिटवीन काइरल कार्बन, ठीक। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास दो काइरल कार्बन है, जैसे देखो ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये X, ये Y और ये Z, ये X मान लो, ये X और ये Z और ये Y, ठीक। ये देखो ये काइरल, क्योंकि ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये पूरा क्या अलग, तो ये कार्बन कैसा काइरल, ठीक है, ये काइरल, ठीक है, क्योंकि X अलग, Z अलग, Y अलग और ये पूरा क्या अलग, तो ये कैसा काइरल, ठीक है। ये देखो इसको अगर इन दोनों काइरल को बीच से काटें तो बताओ सिमेट्री है कि नहीं, Y के ऊपर Y आ रहा है, Z के ऊपर Z आ रहा है और X को ऐसे फोल्ड करेंगे तो X X के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास कम से कम दो काइरल कार्बन हो और उन दोनों काइरल कार्बन के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसे कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चलिए मेरे बच्चे बताओ मीजो कंपाउंड कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ आप मीजो कंपाउंड होने के लिए एक काइरल कार्बन की आवश्यकता होगी कि दो? कम से कम दो। बताओ मीजो कंपाउंड होने के लिए तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए? होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे या मॉलिक्यूलर सिमेट्री बोलेंगे, दोनों काइरल कार्बन के बीच में अगर मॉलिक्यूलर सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये आपका मीजो कंपाउंड कहलाएगा। अब मीजो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है।
सॉरी इंटरनल कंपनसेशन, मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये भी याद रखिएगा, नोट्स में होगा आपके, सब नोट्स में है, ठीक है। अब जो है हमने जो है मेजो कंपाउंड खत्म कर दिया, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन किया जाए। चलिए मेरे बच्चे बताइए, क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। चलिए बेटा सब बताएंगे, हम सीक्वेंस से बता रहे हैं, हम आपके अकॉर्डिंगली जो है हम सब बताएंगे, कंफर्मेशन भी बताएंगे। अभी आप जो है लगातार इनको बोला करिए, ठीक है। ये रिवीजन, ये है रिवीजन का मतलब है जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है। हमने अभी आपको चेन नहीं बताया, पोजीशन नहीं बताया, फंक्शनल नहीं बताया, हम ज्योमेट्रिकल से स्टार्ट किए, ज्योमेट्रिकल बताया और अब हम आपको जो है ऑप्टिकल बता रहे हैं, ठीक है। तो हम सब सीक्वेंस सीक्वेंस से करेंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हम सब सीक्वेंस से करेंगे, ठीक है। आप केवल सुनते जाइए और इसको याद करते जाइए मेरे बच्चे, आप रिवीजन क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं सारा चीज करा दूंगा जो आपके जो है क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं, ठीक है। आप मेरे को बताइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्लियर हुआ, डी एट एल क्लियर हुआ, ठीक है। बताइए मेजो क्लियर हुआ, अब है रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक। तो रेसमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, हेडिंग डाल लो रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई इक्विमोलर मिक्सचर बी का और एल का इक्विमोलर मिक्सचर हो सेम कंपाउंड का, ठीक है, सेम कंपाउंड का बी और सेम कंपाउंड का एल इक्विमोलर मिक्सचर में लें तो ये मिक्सचर कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। तो एक ही कंपाउंड का डी और एक ही कंपाउंड का एल इक्विमोलर इक्विमोलर रेशियो में ठीक लें तो ये कहलाता है रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ मेजो ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू मॉलिक्यूलर सिमेट्री। बताओ मेरे बच्चे मेजो कैसा था, ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, मेजो था ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन या ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब रेसमिक मिक्सचर भी है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, मेजो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझाऊंगा नहीं, केवल रिमाइंड कराऊंगा क्योंकि क्लास में सब लोग समझे हुए हैं। अब ये एक तो क्लास नहीं है, स्यूडो क्लास है ये, ठीक। ऑनलाइन इज नॉट ए क्लास, दैट इज द स्यूडो क्लास। ये बस हम एक माइंड मेकअप करके बैठे हैं, हम लोग की क्लास में बैठे हैं, ठीक। और मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार बुला के, तो हम आपको ये सब चीजें बताएंगे, ये सब नोट्स में होगा। हाँ, बस उसको आपको क्लिक करवा रहे हैं, आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे मेजो ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, तुरंत जवाब आया ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। कारण हो गया तीन, तीन ऑप्शन दिखेगा, लगा के चले जाना, ठीक है। अब रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर है बी का और एल का सेम कंपाउंड का, कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। एक ही कंपाउंड का बी और एक ही कंपाउंड का एल इक्विमोलर रेशियो में ले, ठीक है, तो ये मिक्सचर कहलाएगा रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो मेरे बच्चे बताओ रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मेरे बच्चे इधर देखो, इधर इधर देखो, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, इस रेसमिक मिक्सचर को ठीक, इस रेसमिक मिक्सचर, ये रेसमिक मिक्सचर ले लिया, ये हमने रेसमिक मिक्सचर ले लिया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया यहाँ से, क्या बताओ ये रोटेट करेगा, रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ये रोटेट तभी करता जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के पास ही खासियत होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, और ये क्या है रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रोटेट नहीं कराएगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट वैसे ही का वैसे रहेगा। मेरे बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए, ये भी सवाल आईआईटी जेई में पूछा हुआ है, जेई एडवांस में, तब मेरे मुंह से निकला हुआ है ये, नहीं तो निकलता नहीं। यहाँ अभी जितनी भी बातें आ रही हैं सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन का फॉर्म है। तो मेरे बच्चे बताओ रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ,
मीजो ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ अगर कोई किसी कंपाउंड के पास सिंगल काइलोकार्बन है वो कंपाउंड ऑलवेज, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास सिंगल काइलोकार्बन है वो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए हाँ हाँ सब बताएंगे मेरे बच्चे। मैं तुमको बोला ना कि मैं अभी ये अभी आरएस कंफिगरेशन का भी नंबर आएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? सबका आरएस कंफिगरेशन का भी नंबर आएगा, आरएस कंफिगरेशन का भी नंबर आएगा, ठीक है? आरएस आएगा, ईजेड आएगा, सबका नंबर आएगा, कंफर्मेशन आएगा। बताइए अभी आपको ऑप्टिकल समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऑप्टिकल में इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? तो जो है अब हम लोग क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। हम पर डे का हमारे हिसाब से जो हमको जो जो पूछा गया है वही वही क्वेश्चन हम यहाँ पे सीधे करवाएंगे, ठीक? अच्छा, एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, आपको दे देगा और कहेगा कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, हम भी हैं और आप भी हैं, ठीक है? और वो सवाल जो आने वाला है मे बी, ठीक है, सवाल तो बहुत है, पता नहीं कौन आएगा, लेकिन हाँ इतना पता है कि प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वही आएगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वही आएगा, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन आएंगे, इतना पता है, ठीक है? ये हर एग्जामिनेशन का, ठीक है, मूलभूत है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। और प्लस आप नोट्स लगातार पढ़ रहे होंगे, जिस जहां भी आपने पढ़ा होगा नोट्स लगातार पढ़ रहे होंगे, तो नोट पे फोकस करिए और प्रीवियस ईयर पेपर पे खूब फोकस करिए, ठीक? चलिए सब सारा मैं कराऊंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए अब आ जाइए, अब जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जी 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 ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक? ये मेरे हाथ में जेई मेंस है, क्वेश्चन करते हैं जेई मेंस का, ठीक है? और आपके सब लोगों के पास आंसर होगा कहीं ना कहीं, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, अगले क्लास से ये ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे कहीं कोने पे आ जाए, इस तरह से कुछ मैं अगर टेक्निकल टेक्नोलॉजी होगी ऐसी तो आ सकता होगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है? चलिए मेरे बच्चे आइए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जीओसी का, ठीक? इसमें और जो मैं पढ़ाया हूँ उसी पे करना है, अभी ना आरएस करेंगे ना ईजेड करेंगे, जब आरएस और ईजेड का कांसेप्ट बता देंगे तब करेंगे, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सीक्वेंस में करूंगा। तुम रिवीजन क्लास है मेरे बच्चे, हम सब कराएंगे पूरा ऑर्गेनिक का एक एक कांसेप्ट कराएंगे, ठीक? चलिए इसमें जो है पूछा है रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग टू, ठीक है? रेसमिक मिक्सचर बनता है कब, ठीक? इनेंसियोमर्स विद काइरल कार्बन, इनेंसियोमर्स जिसके पास काइरल कार्बन है उनको मिलाएंगे तो बनेगा क्या, रेसमिक मिक्सचर। अब इनेंसियोमर क्या होता है, ठीक? इनेंसियोमर क्या होता है, ठीक? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले जो कंपाउंड होते हैं वो इनेंसियोमर्स कहलाते हैं, और इनेंसियोमर्स ऑलवेज जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक ही कंपाउंड का डी और एक ही कंपाउंड का एल, तो डी अलग और एल अलग, तो डी इनेंसियोमर्स, एल इनेंसियोमर्स, एक कंपाउंड का डी, डी इनेंसियोमर्स, एक कंपाउंड का एल, एल इनेंसियोमर्स, तो एक ही कंपाउंड का डी, डी इनेंसियोमर्स, एक ही कंपाउंड का एल, एल इनेंसियोमर्स, डी ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ अरे डी कैसा ऑप्टिकली एक्टिव, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा दे तो डी होता था, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे तो एल होता था, ठीक है? तो आप ये जो डी होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव, एल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक? और ये आपस में कहलाएंगे इनेंसियोमर्स, दो इनेंसियोमर्स को मिला दे इक्विमोलर मिक्सचर में तो बन जाएगा क्या, रेसमिक मिक्सचर। चलिए तो ये हो गया आपका जो है, तो जेई का सवाल हमारे हाथ में है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 63 हमारे है, ये 2002 में पूछा है, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू
enantiomers with chiral carbon इसका आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास सवाल है, ठीक, दो कंपाउंड लिख रहा है, दो कंपाउंड लिख रहा है, ये दो कंपाउंड लिख रहा है, हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। एक कंपाउंड है CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक कंपाउंड ये है पहला, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है CH3CH OH और CH3, एक कंपाउंड ये है, ये दूसरा कंपाउंड है, ठीक। ये पहला कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है, कह रहा है, ठीक, ये दोनों कंपाउंड क्या शो कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है चेन आइसोमेरिज, दूसरा पोजीशन, तीसरा कंफर्मर और चौथा स्टीरियो आइसोमेरिज। चौथा कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज, ठीक। अब देखना, चलिए इसको देखिए, इसको ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, और ये जो है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ लिखा है हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हाइड्रोजन जहां ऐसे लिखा है इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन अलग और ये CH3 अलग, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन अलग और ये CH3 अलग, तो बताओ ये कंडीशन किसका था, ज्योमेट्रिकल का था, ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन, इस वाले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन सेम है, तो ये कभी आप, ये कभी काइरल नहीं होगा। इस वाले कार्बन पे आओ, ये देखो, इस वाले कार्बन पे इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अलग, ये CH3 अलग, ये अच्छा, ये CH3 अलग, ठीक है, और ये CH2CH3 है, तो ये CH2CH3 अलग और ये OH अलग, तो बताओ कार्बन से लगा हुआ चारों, ठीक, बताओ ग्रुप क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तो ये कार्बन कैसा, काइरल, तो अगर ये काइरल है तो ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बताओ वन और टू किसमें जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो बताओ वन और टू किसमें जाएगा, स्टीरियो, क्योंकि स्टीरियो में दो कैटेगरी है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, एज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो इसका आंसर लगाएंगे क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ये भी AI EEE 2002 यानी जेईई मेंस 2002 में पूछा है, ठीक है। चलिए अगला जो है, जो अब इसमें सवाल है, ठीक, हमारे पास चार कंपाउंड लिखा है, ठीक है, जेईई मेंस 2003 का सवाल है, जेईई मेंस 2003, पहले ये AI EEE के नाम से होता था एग्जाम, ठीक है। इधर देखो, पहला कंपाउंड है C2H5CH CH3 C3H7, ठीक, ये पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है CH3CO CH CH3, ठीक, C2H5, एक कंपाउंड ये है दूसरा। तीसरा कंपाउंड है C+H H H, ये तीसरा है, ये तीसरा कंपाउंड लिखा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। अच्छा, चौथा लिखा है C2H5 CH CH3 C2H5, ये चौथा है, ठीक। कह रहा है इट इज ट्रू दैट, इनमें से कौन सही है, कह रहा है कि आल फोर आर काइरल कंपाउंड्स, तो दाव चेक करते हैं, बताओ ये तुम्हारा कार्बन, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन अलग, ये CH3 अलग, ये C2H5 अलग और ये C3H7 अलग, तो ये कार्बन कैसा, काइरल, तो पहले के पास तो भाई साहब काइरल है, यहाँ आ जाइए तो बताइए ये C2H5 अलग, ये CH3 अलग, ये H अलग और ये पूरा CO CH3 अलग, तो इसके पास भी क्या है, चारों ग्रुप या एटम अलग अलग है, तो ये भी कार्बन कैसा है, काइरल है, ठीक है। बताओ ये हाइड्रोजन सेम है, क्या ये काइरल होगा, तो ये काइरल नहीं होगा, ये काइरल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन अलग, ये C2H5 और ये C2H5 क्या है, सेम है, तो ये भी काइरल नहीं होगा, तो पहला और दूसरा ही काइरल है, ठीक है, तो चारों काइरल नहीं है, तो कह रहा है कि ओनली वन एंड टू आर काइरल, यही ऑप्शन क्या है, सही है। तो बताइए काइरल सेंटर पहचाना कितने में गया था, जल्दी से रिमाइंड करो, काइरल सेंटर पहचानना कितने लोगों को आ गया था, देखो सब वही सवाल पूछ रहा है,
ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करनी है, यही रिवीजन क्लास है, ठीक है। अब एक एक चीज को पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक। जिसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रहा है, जिसको इजेट नॉमेनक्लेचर में दिक्कत हो रहा है, वो सब बताएंगे आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है सब यहाँ से डिलीवर्ड होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार आप बने रहिए, बस सुनते रहिए बात को, ठीक है, और रिकॉल करिए, ठीक है। हम लोग को 140 प्लस पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग जो धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप फॉलो करिए, ठीक। चलिए अब आ जाइए मेरे बच्चे, ये आपका मतलब आर्टिकल से खत्म हो गया एक क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है, 2004 का पूछा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मीजो आइसोमर्स आल्सो। बताओ मीजो के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बताओ मीजो के लिए कंपाउंड के पास कम से कम कितने काइरल, दो, और उन दो काइरल के बीच में क्या होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए। वो उन दो कार्बन, दो काइरल कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तभी वो मीजो होगा। तो हम एक एक ऑप्शन को बनाएंगे और चेक करेंगे। ये आपका पूछा है जेई मेंस 2004 में, ठीक है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मीजो आइसोमर्स आल्सो, इनमें से कौन मीजो आइसोमर्स भी बनाएगा। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं मेरे बच्चे, देखते हैं हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को। गर्मी बहुत है और आपको जो है बस पढ़ाई में मजा आना चाहिए, आपको एकदम मन लगना चाहिए, पूरा जुड़ना चाहिए। मीजो का कंडीशन पता हो गया कि नहीं, ठीक है। अगर पता हो गया तो अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मीजो का, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था जे, हाँ 2004 का, 2004 का। देखिए मेरे बच्चे, जो सही आंसर है वही बना रहा हूं, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन। बताओ ब्यूट का मतलब कितना कार्बन, 4, 1, 2, 3 और 4। बताओ कहां पे है, दूसरे और तीसरे पे क्या लगा है, क्लोरीन, क्योंकि एन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या, क्लोरीन, ठीक। अब ये देखो इसको भर दिया जाए तो ये CH3, 1, 2, 3 तो ये CH, ये देखो ये CH, ठीक, और ये CH3 और ये CH। बताओ ये वाला कार्बन काइरल और ये वाला कार्बन कैसा, काइरल। अब दो काइरल को बीच से काटो, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, यहाँ CH तो यहाँ CH, यहाँ CH3 तो यहाँ CH3, यहाँ H तो यहाँ H। इसको ऐसे करो तो एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है, तो यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यही जो है मीजो बनाएगा, यही क्या बनाएगा, मीजो। तो अगर तुमको एग्जाम के दिन 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन दिख जाए, ये मीजो कंपाउंड बनाएगा, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन अगर एग्जाम के दिन दिख जाए और पूछे कि इनमें से कौन मीजो बनाएगा, तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये अभी तो याद हो गया हमको। अगर अगर कोई क्वेश्चन हमको अगर सॉल्व करना होगा तो हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पता ही है कि दो काइरल होना चाहिए और उन दो काइरल कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या तुम्हारा मॉलिक्यूलर सिमेट्री होना चाहिए। और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव की एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, रेसमिक मिक्सचर मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी कई बार जो एडवांस में पूछा गया है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग, इसमें जो है कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन हैविंग द लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। तो ये भी तुम्हारे मेरे बच्चे बताओ, ये वाला कंपाउंड है, ये हमारा बना हुआ है CH3H और C2H5 और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लगा है, साइक्लोप्रोपेन। बताओ ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक काइरल कार्बन होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक काइरल कार्बन होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो देखिए मेरे बच्चे इधर देखिए, ये हाइड्रोजन अलग, ये CH3 अलग, ये साइक्लोप्रोपेन अलग, C2H5 अलग, ये वाला कार्बन कैसा, काइरल। इसके ये वाला कार्बन काइरल नहीं होगा कि तीनों हाइड्रोजन क्या हो जा रहे हैं सेम। ये देखो ये C2H5 है तो इसको हम लिखते
तो CH2 और CH3 ऐसे लिखते, तो ये देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम हो जा रहे हैं, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन सेम हो जा रहे हैं, चारों ग्रुप या चारों एटम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो ये भी काइरल नहीं है, ये भी काइरल नहीं है, बट ये काइरल है और ये भी काइरल नहीं है, तो चूंकि इसमें एक काइरल कंपाउंड है इसलिए ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव होगा। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंपाउंड के पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक जो है काइरल कार्बन होना चाहिए। इस तरह से हम लोग ने ठीक है जेई मेंस का 2004 का क्वेश्चन निपटा दिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन काइरल कंपाउंड नहीं है, इनमें से कौन, ये भी जेई मेंस 2004 का क्वेश्चन है। ठीक, इधर देखो, कह रहा है इनमें से कौन काइरल कंपाउंड नहीं है, वन क्लोरोपेंटेन। बताओ पेंट का मतलब कितना काइरल, कितना कार्बन, पांच कार्बन, एक दो तीन चार और पांच कार्बन, ये हो गया। ठीक है, ये अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, एक पांच कार्बन हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक, पहले पोजीशन पे क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो बताओ कितना CH2, दो, यहाँ दो, ठीक है यहाँ दो, यहाँ दो और यहाँ तीन। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए मेरे बच्चे, इधर देखिए। ठीक, ये देखिए, बताइए ये कार्बन काइरल नहीं, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या सेम, चारों अलग होना चाहिए, तो ये काइरल नहीं होगा, यहाँ भी काइरलिटी नहीं है, 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 तो इसी कंपाउंड के अंदर कोई काइरल कार्बन नहीं है, तो वन क्लोरोपेंटेन के पास कोई काइरल कार्बन नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये भी निपट गया। ठीक, अच्छा कह रहा है 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन, बताइए अभी आया था ये, बताइए 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन, चलिए बताइए अभी आया था, इसके पास कितने काइरल कार्बन है, दो, और इनके बीच में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये मीजो बताओ कर रहा था कि नहीं, और मीजो किस में आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन मीजो कंपाउंड है और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अगला कौन सा सवाल है, अगला, ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, चलो तुम करना, प्रोपीन, 2-methylpropene, 2-butene, ठीक है, अगर कहीं पे 2-butene दिख जाए, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया है, 2-butene तुम बना के देखो, 2-butene ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो अगर तुमको ऑप्शन में 2-butene दिख जाए और पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो 2-butene ऑप्शन जाता ही जाता है। ठीक है, तो इधर देखो 2-butene बनाते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, और दूसरे पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, 2-butene, 2-butene। ठीक, इधर देखो, इधर अब इसको भर दिया जाए, ये CH3, ठीक है, ये H और ये क्या CH3। ठीक, इधर देखो, ये H को मैं ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं, ये अलग, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड पे अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग और ये CH3 अलग, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2-butene क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर मेरे बच्चे ऑप्शन में 2-butene अगर कहीं तुमको दिख जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगा के आगे बढ़ जाना, स्ट्रक्चर बनाना नहीं, ठीक है, ये सब बोनस सवाल है। 1.2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन मीजो बनाता है, 2.3 डाइक्लोरोब्यूटेन मीजो बनाता है, मीजो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। ठीक है, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, और मीजो के लिए शर्त होना चाहिए दो काइरल सेंटर और उनके बीच में प्लेन ऑफ क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये मीजो का कंपाउंड खत्म हो गया। ठीक, चलिए AI 2010 का क्वेश्चन है,
कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मेरे बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, काइरल सेंटर होना चाहिए। तो तुम चारों ऑप्शन बनाना, जिसके पास काइरल सेंटर निकलेगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये भी सवाल हम करा नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं मेरे बच्चे। हर देखो, मैं इसको इसीलिए इसको लाया था कि शुरू में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और उसी पे जितने बेस्ट सवाल मैं बोलता चला जाऊं, ठीक है। हमको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, आप रियल में बैठने जा रहे हैं तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया ये आना चाहिए। बोलिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जेई मेंस के क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब सब लोग कॉपी पेन निकालो, जो नंबर ऑफ आइसोमर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक जगह लिख के कर लेते हैं। तो नोट करके लिखिए, कॉपी में कॉपी निकालिए और एक जगह नोट करके लिख लेते हैं। कॉपी निकालिए, एक जगह नोट करके लिखते हैं। कॉपी लाइए, कॉपी निकालिए, एक जगह नोट करके लिखते हैं। कॉपी निकालो, सब एक जगह नोट करके लिखो। नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, सब एक जगह नोट करके लिखो। जो लोग जुड़ोगे उसको फायदा होगा, ठीक है। ये आपका दो से एक से दो डेढ़ दो घंटा जो भी ले रहा हूँ, ये बकवास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए खुदा ना खास्ता जो है टू ब्यूटीन दिख गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा करो, टू ब्यूटीन, मीजो दिख गया, ठीक, टू का मात्र डाई क्लोरो ब्यूटेन, तुरंत आंसर लगा दिया, क्योंकि प्रैक्टिस में था, याद था, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो याद ही से निकल जाता है, अगर आपने बार बार प्रैक्टिस किया है तो। कॉन्सेप्ट सीखे ही है, मीजो का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो चीजों को समझिए, एग्जाम निकालना एक कला है, कलाकार बनिए, ठीक है। तो आपको जो है आराम से क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए लिखिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स के क्वेश्चन। हम आइसोमर्स बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, याद करेंगे कितने किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। चलिए किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। C4H10, ठीक। टू चेन आइसोमर्स, C5H12। एक मिनट बेटा, ठीक है, एक मिनट बस। हेलो, आप डाल दो, डाल दो। सॉरी बेटा, थोड़ा सा एक फोन आ गया था, इमरजेंसी, तो जो है मुझे जो है थोड़ा जाना पड़ा, कोई बात नहीं, इंटरप्ट हुआ क्लास, ठीक है, माजरा चाहता हूँ आपसे। चलिए लिखिए, लिखिए C5H12, three chain isomers, C6H14, five chain isomers, C7H16, nine chain isomers, ठीक,
चेन आइसोमर्स चार कार्बन के एल्केन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये नोट का पहला पॉइंट था, तो अगर आपको कभी पूछे तो इसका आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर लगा दीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा अब ये रटा होना चाहिए, कोई बनाएगा नहीं। दूसरा देखिए, ठीक, दूसरा यहां दिख रहा है, दूसरा चलो दिख रहा है, दूसरा लिखो C4H8, इसके बनेंगे टोटल छह आइसोमर। एक तीसरा C4H10O, इसके बनेंगे सेवन आइसोमर। ठीक, इस सात में तुम्हारा चार एल्कोहल होगा, ठीक, और तीन ईथर होगा। ईथर मेटामर्स भी शो करता है, यहां दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ईथर मेटामर्स भी शो करता है, तो ईथर बोले या मेटामर्स। ठीक, अब देखो चार एल्कोहल में, ठीक है, दो एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होगा, एक सेकेंडरी एल्कोहल होगा और एक टर्शियरी एल्कोहल होगा, थ्री डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक, चलिए मेरे बच्चे इधर, कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, अगर तुम आइसोमर्स बनाने लगोगे, ठीक है, तो हो चुका तुम्हारा काम। बताओ कितने लोग रट चट लोगे? अरे याद करने का नाम ही कॉन्सेप्ट है, जो चीजें याद होती हैं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको याद है तो कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये अगर आप बनाने लगे, ठीक है, तो चपरासी को से मंगाना पड़ेगा पानी और एग्जाम हो जाएगा खत्म। आप चपरासी से मंगाएंगे पानी, कहेंगे कि बनी नहीं पा रहा है, ठीक है, तुम भी पियो हम भी पिए, बेहोश हो जाए यहीं पे, बेवकूफ कहेंगे। C4H10O कितने आइसोमर्स? सेवन आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स? सेवन आइसोमर्स। C4H10O C4H10O सेवन आइसोमर्स में चार एल्कोहल होगा और तीन क्या होगा? ईथर होगा, ठीक है। चार एल्कोहल में से दो एल्कोहल कैसा? प्राइमरी, एक एल्कोहल सेकेंडरी, एक एल्कोहल टर्शियरी। तो कुछ भी पूछे हम तुरंत तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ रुक के इतना वक्त इसलिए दिया, ठीक है, जब प्रीवियस इयर्स में जब नीट नहीं हुआ करता था, डिफरेंट एग्जामिनेशन हुआ करता था, तो ये खूब पूछा जाता था। ठीक, चूंकि अब एक ही ऑल इंडिया में एग्जाम है, तो वो क्या पूछ दे, कहाँ से क्या पूछ दे, हम बेखबर हैं। अभी एनटीए का पेपर चल रहा है, मार्क टेस्ट उसमें देख ही रहे हैं, तो हम चीजों को जो पूछ चुका है उसको तो रट चट ले। बताइए C4H8 के कितने आइसोमर्स? छह। C4H10O के कितने आइसोमर्स? सात टोटल। कितने प्राइमरी आइसोमर्स, प्राइमरी एल्कोहल के आइसोमर्स? दो। बोलो टोटल सात, प्राइमरी एल्कोहल दो, टोटल एल्कोहल चार, ईथर तीन। C4H10O के कितने ईथर आइसोमर्स बनेंगे? तीन। तो समझ में आया? चलिए अगला लिखिए, सब लोग जुड़ जाओ, भगो नहीं बेटा, पढ़ना बड़ा मुश्किल चीज होता है। आज जो पढ़ लिया वो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एंजॉय करता है। आज जो कहा गया हटाओ, कहा पढ़ा रहा है यार, यही पढ़ा रहा है क्या है? तो पसीना चू रहा है इसलिए नहीं, गला फट रहा है इसलिए नहीं। दो लोग एक लोग लाभ उठा लेंगे, काम हो गया, ठीक है, उसका भी होगा हमारा भी, ठीक, उसका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, ठीक है। तो एक ही लोग को लाभ उठाना है, हम तो कह रहे हैं 2500 लोग, 30 लोग, 50 लोग, जो भी है सब लाभ उठाए, जो देख रहे हैं सब लाभ उठाए, ठीक है। अच्छा, 50 चैनल नहीं देखना है, ठीक है, अगर आप हमको देख रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं तो देखिए, अगर आप हमको नहीं पढ़ रहे हैं और हमको देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है तो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, क्विट करिए ईमानदारी के साथ, ठीक,
लेकिन C4H10Y तो टोटल आइसोमर्स कितना बार बताना है? सात, जिसमें से चार अल्कोहल और तीन क्या ईथर। ठीक है, आप मेरे को क्या कमेंट लिखना है मैंने पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और मैं पूरा ध्यान लगाया हूँ कि वो क्वेश्चन मेरे मुंह से निकल जाए जो लीड 2020 में आने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये सुन रहा होगा और हो सके तो एग्जामिनर के मुंह में दिमाग में ये बात डाल रहा होगा जो हमारे मुंह से निकल रहा है। एग्जामिनर ये पूछ रहा होगा C4H10O कितना है इसका मतलब है, और वो आपको जो है जवाब सुन रहे हैं कितने सात। बस एक लड़का बना रहा है, एक लड़का बाहर निकला, आया तो फिर कठिन क्वेश्चन आ गया, C4H10O की आइसोमर्स आ गया, हम लगे बना रहे हैं यार, फिर छूट गया, बस छूट गया। चल बोलिए, केमिस्ट्री का मास्टर था वो, आइसोमर्स को बनाता था। ठीक है, एक आइसोमर दे दो, तीन दिन तक बना के ला के दिखाता कि सर ये होता है, तो वही है कि आप कहां जा रहे हैं। चलिए चौथा, और ये आपके लिए उनके लिए है, दो लोग फायदा उठा रहे, मिशन 140 प्लस, मिशन 140 प्लस। ठीक, अब आप जो कमेंट करिए मिशन 140 प्लस, जिनको फायदा मिल रहा है वो बोल रहे हैं। ठीक है, कि आइसोमेरिज्म दो तरह का, स्ट्रक्चर और स्टीरियो, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग टाइप, चेन पोजीशन फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक, स्टीरियो दो तरह का, ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के लिए सर ने कंडीशन बताया, ऑप्टिकल के लिए सर ने कंडीशन बताया, ऑप्टिकल में सर ने इनेंसियोमर्स बताया, वीजो बताया, ठीक है, और आपको बताया कि रेस्मिक मिक्सचर बताया। ठीक है, सर ने बताया कि रेस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, वीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन या प्लेनर सिमेट्री। मेरे बच्चे सर ने ये सब बताते हुए आगे बढ़ा, सर ने कुछ क्वेश्चन कराया, अब सर जो है कटा रहे हैं कितने आइसोमर्स बनते हैं। तो हमारा भी ये दायित्व है कि जिस तरह से सर का गला सूख रहा है, हम जो है जिस तरह से सर का पसीना बह रहा है, हम इसको किसी तरह से अपने दिमाग में डाल के C4H10O के साथ आइसोमर्स याद कर रहे हैं, C4H10O के 6 आइसोमर्स याद कर रहे हैं, C4H10O के 2 चेन आइसोमर्स, C5H12O के 3 चेन आइसोमर्स, C6H14 के 5 चेन आइसोमर्स, C7H16 के 9 चेन आइसोमर्स हम याद कर रहे हैं। हमारा दायित्व है, अगर हमको डॉक्टर बनना है तो। ठीक है, बहुत टेढ़ी खीर है, COVID-19 में डॉक्टर पीपीई किट पहन के ठीक पसीने से लबरेज है लेकिन लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तैयारी के दौरान वो जज्बा सीखा था, है जज्बा करेंगे हम बैठ के लगातार, अगर है हिम्मत तो आओ याद करते हैं, है हिम्मत है, बिल्कुल है। ठीक है, और हम तभी डॉक्टर बनेंगे, COVID-19 पीपीई किट अंदर जो है पूरा पसीना से लबरेज है लेकिन डॉक्टर जो है मुस्तैद है, क्योंकि आदत है उसको, नीट क्रैक किया है, CPMT क्रैक करके वो डॉक्टर बना है, आदत है उसको। ठीक, चलिए C5H12O, इसके बनेंगे 14 आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स 14, इस 14 में तुम्हारा जो है 14 आइसोमर्स में 8 एल्कोहल 6 इथर, 8 एल्कोहल 6 इथर। C7 एक दिन 1 2 3 4 4 हो गया, 5 पांचवा नंबर जितना हमको रट्टा मारना है। C7H8O के 5 आइसोमर्स 6, C7H7Cl के ठीक टोटल 4 आइसोमर। ठीक, सातवा C4H9NH2 या C4H11N के टोटल 8, इसके टोटल 8, टोटल 8, C4H9NH2 या इसी को C4H11N के टोटल 8 बनेंगे। तो बताइए कितने लोग इसको रट्टा चट्टा मारने जाएंगे, रट्टा चट्टा मार के याद कर लेना इतना। ठीक है, कम से कम तुमको इतना याद करना है, चलिए इतना याद करना है। अब आ जाइए आप, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने बताया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल का बताया था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और सब कोई बताया था, तो हमने ये भी बताया था
कि चैप्टर और उसके मेन रिएक्शन का नाम, ये नोट हो गया है तो नोट कर लेना जल्दी से और इसको याद कर लेना। ठीक, चलिए इसको याद कर लेना। अभी एक काम करेंगे, अब अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे। जितने लोग हमको फॉलो कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप करिएगा 7905344558 और हम क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे। जो क्वेश्चन करवाना होगा क्वेश्चन का पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप अपने मोबाइल में खोल के पीडीएफ को देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक नीट के सारे सवाल करा दिया। ठीक है, तो अगले टर्म से हम लोग ये करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन से सीखना है, रिवीजन में क्वेश्चन से सीखना होता है, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो जो जो लोग हमको जो है फॉलो कर रहे हैं तो एक बार आप जो है ये इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे और उस पीडीएफ को आप जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो खोल लीजिएगा और साथ साथ क्वेश्चन करते चलिएगा। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम पे भी, चलो मेरे बच्चे टेलीग्राम पे भी भेज देंगे, एडवांस है, चलिए टेलीग्राम पे भी भेजेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे भी भेज देंगे, इसी नंबर पे टेलीग्राम भी बना हुआ है हमारा, हम आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर देंगे। चलिए अब हम जो है आज की क्लास का एंड करते हैं। ठीक, कुछ चीज रटा के बताइए, ऑर्गेनिक के चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, फिर एल्केन के बाद पढ़ते हैं एल्कीन, एल्कीन के बाद पढ़ते हैं एल्काइन। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको जो है न जाने कितना झोली भर भर के जो है दिया है जेई में सवाल, नीट में सवाल और एम्स में सवाल। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड, जिसको हैलो एल्केन बोलते हैं। एल्किल हैलाइड के बाद हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड बोलते थे, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, फिर हम लोग पढ़ते थे एसिड एंड इट्स 4 डेरिवेटिव्स, उसके 4 डेरिवेटिव्स बताओ, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड, और हम लोग बाद में पढ़ते थे सबसे अंत में एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारा चैप्टर था और हर चैप्टर का अपना मेन रिएक्शन होता है। ठीक है, हर चैप्टर का अपना मेन रिएक्शन होता है। तो एल्केन देता था फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ एल्केन के मेन रिएक्शन का नाम, बताओ एल्केन के मेन रिएक्शन का नाम, अगर तुमको ये आ गया, ये रट गया, कई सवाल आसान हो जाएंगे। बताओ एल्केन के मेन रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन एल्काइन के मेन रिएक्शन, एल्कीन एल्काइन के मेन रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ एल्किल हैलाइड एल्कोहल के मेन रिएक्शन का नाम, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ एल्डिहाइड कीटोन के मेन रिएक्शन का नाम, जिनको नहीं याद है वो याद करते चले, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के मेन रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एरोमेटिक के मेन रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक मेरे बच्चे, बताओ कितने लोगों को चैप्टर और उसके मेन रिएक्शन का नाम याद हो गया। अगर आपको ये याद हो गया, ठीक है, तो आपके बहुत सारे सवाल जो जेई मेंस में दिए हैं, जो नीट में दिया है, जो एम्स में दिया है प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है, वो आपके साल हो जाएंगे। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, जल्दी से आप बताइए एल्केन के मेन रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन एल्काइन के मेन रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरे बच्चे बताइए एल्किल हैलाइड एल्कोहल के मेन रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे बच्चे जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के मेन रिएक्शन का नाम
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड के मेन रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चलिए जल्दी से सब लोग बताइए, एल्केन के मेन रिएक्शन का नाम FRS, एल्कीन एल्काइन के मेन रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताइए एल्कीन एल्काइन अल्कोहल के मेन रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन के मेन रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स के मेन रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एरोमेटिक कंपाउंड जितने होंगे वो ESR देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए आपको याद हुआ कि नहीं। अब ये इसी के आधारित जितने भी सवाल होंगे, क्या होता है FRS, कैसे करते हैं, FRS में कितने स्टेप होते हैं, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपगेशन, चैन टर्मिनेशन, ये सब चीजें हम लोग जो है करते हुए निकलते चले जाएंगे और आराम से अपने जो रिएक्शन मैकेनिज्म के जो एडवांस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। एडवांस क्वेश्चन इसको बोलते हैं। बोलो कुछ समझ में आ रहा है, रट लो, नोट्स खोलो, FRS पढ़ लो, नोट्स खोलो, ESR पढ़ लो। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन या बेंजीन के रिंग 5 ESR देते थे, बताओ फ्रीडनक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडनक्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बस खत्म, हर चैप्टर में वही है। ठीक, तो चीजों को सीखा गया था और ये चीजें जो है करेंगे। चलिए हम आपको वर्क दे रहे हैं, नीट में जितने भी नामकरण के क्वेश्चन पूछे हैं सॉल्व करिए। आज आपकी ड्यूटी अभी का अभी, क्लास खत्म होने के बाद, अभी का अभी क्लास खत्म होने के बाद, जहां बैठे हो वहीं पानी पीने के बाद जितने भी नामकरण के क्वेश्चन होंगे नीट के पूछे हुए लगा लेना, जेई मेंस में जितने पूछे हुए नामकरण के लगा लेना जेई मेंस में। ठीक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपलर में जितने भी नामकरण के क्वेश्चन होंगे लगा लेना। ठीक है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल के जितने क्वेश्चन होंगे लगा लेना। ठीक, एम्स में जितने नामकरण के क्वेश्चन होंगे लगा लेना। ठीक है, और नामकरण का क्वेश्चन कोई फंसे, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करना कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। नीट का, जेई का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपलर का और एम्स का, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बार बार इसको, आज नामकरण आपको अभी खत्म करना है, मेरे क्लास खत्म करने के बाद शाम तक आपको नामकरण के सारे क्वेश्चन लग जाना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, होमवर्क है आपका। अभी जैसे क्लास खत्म होगा बताइए चैप्टर, उसके मेन रिएक्शन का नाम, एल्केन के मेन रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन एल्काइन, बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड एल्कीन हैलाइड अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताओ एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन का रिंग ESR, बताओ बेंजीन या बेंजीन का रिंग कितने ESR देता है, 5। कौन कौन सा, फ्रीडनक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडनक्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी होगी तो जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनको लगाना पड़ेगा, जितना बताया उतना करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। फिजिक्स को भी आप अच्छे से करिए, पूरा नीट के एक एक सवाल का पोस्टमार्टम करिए। ठीक है, बायो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपलर और नीट के क्वेश्चन और बायो में एनसीईआरटी के एक एक लाइन, और जिस टीचर से पढ़े हैं उनका नोट्स, उनके कॉन्सेप्ट, बेटा सेलेक्ट हो जाओ, बहुत गर्मी है, सेलेक्ट हो जाओ, बहुत पसीना निकला, ठीक है, सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, यही विशेष है कि आज ऊपर वाला ये सुन ले कि जितना C5H10O के कितने आइसोमर्स, 14, C4H10O के कितने आइसोमर्स, 7। ठीक, जितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बताए सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी, ठीक है, हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और आप अच्छा करेंगे मुझे पता है। आशुतोष सिंह, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, आप हम लोगों के लिए इतना सब कर रहे हैं। बेटा उज्जवल, ठीक, पंकज कुमार थैंक यू, आशुतोष थैंक यू, सोनी वाला थैंक यू, देवेंद्र थैंक यू, पौनी अच्छा लगा,
अच्छा मेरे बच्चे तुम लोग जो है 140 प्लस करना है, सब आप सब चीजें याद हो जाएगा। अभी इनऑर्गेनिक पे घुस दे दो, ये तो बहुत बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, फिर भी मजा लग रहा है, तुमको बहुत अच्छा है। नोट्स खोल के सब नोट्स के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करना। आइसोमेरिज्म आज खत्म कर देते हैं, आइसोमेरिज्म आज बैठते हैं, ठीक है, और आज आइसोमेरिज्म का वारा नया कर देते हैं। एग्जाम के दिन आप क्वेश्चन लगा के कोई भी पूछे आइसोमेरिज्म बताने के लिए तैयार है। नामकरण खत्म कर देते हैं, नामकरण के जितने भी क्वेश्चन आए कांसेप्ट के साथ लगा दिया, काफी पढ़ लिया, पीआरटी का डाटा फंक्शनल रूप याद कर लिया, ठीक, चलो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगातार पढ़िए, हम लोग परसों 10 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, आप लगातार पढ़िए, थैंक यू।